यहाँ तक कि भोजपुरी में पीएचडी अवार्ड करा जा रहा है, जेएनयू में करा जा रहा है, इग्नू में करा जा रहा, बिहार यूनिवर्सिटी में करा जा रहा, तो जब सारा कुछ बा तो सरकार कहा नहीं कि मान्यता दे, क्या एक मजबूरी बा? ये देखिए, ये छोटा बच्चा भी आया है, एक बच्चे की भी मांग है कि हमारे भोजपुरी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में लाया जाए। एक्चुअली एक भोजपुरी में एक कहावत है कि आबरा के मऊगी गांव भर के भौजाई, वही हाल वो लोग भोजपुरी को बना दिए हैं। भोजपुरी भाषा को सिर्फ वोट के लिए अपने वो यूज करते हैं और फिर संसद में आके उसको भूल जाते हैं। जो वल्गर भोजपुरी के कहता वो भोजपुरी के गीत सुनते नहीं। आप हमारे भोजपुरी को कॉपी करके मुन्नी बदनाम करके आप सिनेमा हॉल में बैठ के देख रहे हैं तो आपको वो बर्गर नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही भोजपुरी में कहता है कि लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए, तो आपको भोजपुरी वल्गर लगने लगता है। कोई एक्का दुक्का अगर कुछ गा दिया तो आप उसको लेकर के सारे समाज को या भाषा को या वल्गर कह दें, ये गलत मानसिकता है। वो लोग अभी भोजपुरी को जाने नहीं। अब बिग बॉस हमारे घर में खुलेआम देखा जा रहा है, 9 बजे के बाद महिलाएं देखती हैं टीवी के सामने, वो उसमें क्या दिखाया जाता है? अश्लीलता पर बात करके और भोजपुरी को नकारना, ये बहुत ही अप्रासंगिक और गलत। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां भोजपुरी भाषा को दर्जा प्राप्त करने के लिए संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहां पर सभी भोजपुरी भाषी के लोग जो हैं वो बिहार से चलकर यहां पर आए हैं। भोजपुरी दर्जा, भोजपुरी भाषा को जो है दर्जा मिल जाए, इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार है और मैं गाजियाबाद से आया हूँ, और भोजपुरी हमारी जो है मातृभाषा है, और हमें के सरकार से आग्रह बा कि हमारी मातृभाषा जेकर बोले वाले की संख्या 6 करोड़ से ज़्यादा बा। 2011 के जनगणना के अनुसार बोले वाले की संख्या 6 करोड़ रहे, और अभी 2023 के जनगणना भइल नहीं के, ओकरा हिसाब से और भी ज़्यादा हो के, जबकि ओकरा से कम बोले वाले भाषा के सरकार मान्यता दे चुकल बा, जैमें नेपाली बा और डोगरी बा, बहुत सारा भाषा बा, और हमी के एक समृद्ध साहित्य बा भोजपुरी के, बोले वाले की संख्या 6 करोड़ से ज़्यादा बा। भारत के अलावा, मॉरिशस के अलावा, गुआना और भी बहुत सारे 40 कंट्री में भोजपुरी बोला जाला, लेकिन भोजपुरी के सरकार मान्यता पता नहीं कहे नहीं कि देखो पीछे काज राजनीति बा, ये हमी के मातृभाषा, हमी के चाहत इंसान भाषा के जल्दी। लेकिन रउवा लोगिन तो अपन भोजपुरी भाषा के मांग हिंदी में करत नहीं। ना ना, हम तो भोजपुरी में रउवा से बात कर रहल बानी, हिंदी में नारा लगाओ तो ना ना, हम नारा हमी के भोजपुरी में बारवा, ध्यान से सुनी, हमी के जो आंदोलन गीत बा वो भोजपुरी में बा, हमी के नारा भी भीख नहीं चाहे दर्जा चाहिए, भोजपुरी के दर्जा चाहिए, सब भोजपुरी ना, भोजपुरी भाषा, ये हिंदी भाषा ना, तो हमी के जौन भी भाषा बोलते नहीं सन, हमी शामिल करो, शामिल करो कह रहे नहीं, शामिल कर शब्द के एगो संकेतिक शब्द होला, जौन बाटे वो आदमी बोले में बोल जाला, लेकिन हमी के जौन मान्यता बा, हमी के भाषा बा, अपन भाषा साहित्य के देखे रहुआ, भाषा के समृद्धि के देखे, भाषा देखी कहाँ से बोले जा रहा बटे, यूपी बिहार से लेके उत्तर बिहार तक भाषा बोल जाए, बनारस और बहुत सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रहा भोजपुरी के, तो हमी के जौन बाटे कि भाई हमी के बोले वाले की संख्या, हमी के साहित्य के और हमी की संस्कृति के देखते हुए ये भाषा के जल्दी जल्दी संविधान में शामिल करो जाओ, जरा से फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी पड़ी, एक से लोग के जॉब मिल रहा। देखिए, हिंदी भोजपुरी के बाद सबसे ज़्यादा जो चैनल बा वो भोजपुरी के बाद रुवा, रुवा तो समझता नहीं, और लोग भी रोजगार भी मिलता हूँ मैं, तो कहे मतलब जब भाषा एक के शामिल कर दी जाए तो एक बहुत सारा जो बाटे रोजगार मिली, साहित्य में रोजगार मिली, बहुत सारा संस्था बनी जिनमें लोग ट्रांसलेटर बनी, अनुवादक बनी, हिंदी पदाधिकारी जहाँ बनता भोजपुरी पदाधिकारी बन, जबकि सरकार कहले बा कि जो प्राथमिक शिक्षा बा उन लोकल भाषा में पढ़ावल जा, लेकिन धीरे 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 चीज़ बहुत आगे बढ़ गई बा, यहाँ तक कि भोजपुरी में पीएचडी अवार्ड करा जा रहा बा, जेएनयू में करा जा रहा बा, इग्नू में करा जा रहा, बिहार यूनिवर्सिटी में करा जा रहा, तो जब सारा कुछ बा तो सरकार कहा नहीं कि मान्यता दे, क्या एक मजबूरी बा? बाहर शहर में अगर जाते हैं तो लोग हंसते हैं कि तुम्हें हिंदी बोलने नहीं आती, तुम्हारी भोजपुरी की एक्सेंट आती है, इस बात को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये हमी के कमी बा, ये हमी के बहुत बड़ा कमी बा, बंगाली जा रही बंगाली में बोली, मराठी जा रही मराठी में बोली, हमी के भोजपुरी भाषा लोग संकोच कर रहा, संकोच कर, हमी तो हम तो कुछ ऑफिस में भोजपुरी में बोले नहीं, लोग परेशान रहेला कि डॉक्टर साहब भोजपुरी में क्या बोलते, ये हमी के अपन बच्चा के भी भरेगा बा कि ना, लोग तो अपन बच्चा के हिंदी भोजपुरी छोड़ के। देखिए, ये तो एक दुर्भाग्य बा, अपन भाषा के भूल के जब भाषा ही मर जाए तो बची का,
यानी कि माई भाषा जम के लड़ला से केंगा अधिकार अभी बताइए जब जागरूकता दिमाग में सबसे बहुत बड़ा अच्छा बात रहा करिए सबसे बड़ा जो काम करे वो जागरूकता के करे बा आज रुआ लोग सबसे ज्यादा हिंदी के बाद भोजपुरी चैनल देखा था भोजपुरी में सब चलता डायलॉग भी भोजपुरी में गाना भी भोजपुरी तो निमन लगा था बोले में तो कौन सी की परेशानी बा कुछ परेशानी नहीं भोजपुरी देखे में ठीक बा सुने में गाना ठीक बा फिल्म देखे घर में ठीक बा और नाटक नौटंकी देखा दिन ठीक बा तो बोले में क्या तकलीफ बा हमी के घर जाके भोजपुरी बोली नहीं सर ये हमी के जागरूकता फैलाए के बा हमी के जो भोजपुरी भाषा जो जागरण अभियान बा यो काम कर रहा है भोजपुरी में लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोले ज़्यादा से ज़्यादा लिखे जब लिखी अकादमी बनी तो लोग लिखल शुरू करी ओकर फाइनेंस बिहार से लेके बाहर तक ही मानसिकता बनल बा कि भोजपुरी भाषा जन बा वल्गर भाषा गायक लोग के चलते बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल रहा कन ये वल्गरी कौन सा भाषा में नहीं अंग्रेजी में नहीं के हिंदी में नहीं के का बार वो 10 को गाना सुनाए तो हिंदी के में सब जगह बैठे वल्गर बा अंग्रेजी में बा वो मानसिकता बा अपन रुआ कौन मानसिकता से का सोच तनी का करे के चाहत तनी वो डिपेंड करता और जहाँ तक बाटे वल्गर लिखे वाला लोग आज के जमाना जौन बा और भी उम्र हमारा से बहुत कम हुई लोग चाहता ज्यादा से जल्दी पॉपुलरिटी मिल जाए ज्यादा ज्यादा फाइनेंशियल पैसा मिल जाए तो लोग इस तरह के जो राइटर बड़े लोग के उन लोग के खिलाफ भी हमी के जागरूकता फैलाई पड़ी ताकि और अगर बाइकआउट करे पड़ी ताकि लोग उस तरह के चीज से थोड़ा दूर रहे परहेज करें। आप क्या कहेंगे ज्यादातर जो गाने हैं भोजपुरी के वल्गर होते हैं और इस बात को लेकर पूरी जगह पे जो है भोजपुरी भाषा को वल्गर भाषा के नाम पर साबित कर दिया गया है। वास्तव में बात दरअसल ही बा ना कि जो वल्गर भोजपुरी के कहता वो भोजपुरी के गीत सुनते नहीं वो भोजपुरी के गीत सुनित ना तो ना कहे जो भोजपुरी खाली वल्गर गनवा सुन ले लो अंग्रेजी से बड़ा वल्गरिटी भाषा कोनो दुनिया में बाका पूरे पूर्ण इंडस्ट्री बनल बा अंग्रेजी में का उकरा से हमनी के भोजपुरी तो वल्गर नहीं के अगर हिंदी में जो लोग जो अगर किस भाषा में हम जवाब दें तो आपको अच्छा लगेगा हिंदी में दीजिए हिंदी में हम अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में जब वही चीज दबंग में सलमान खान कहते हैं कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए हमारे भोजपुरी उससे पहले कहता है कि लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए आप हमारे भोजपुरी को कॉपी करके मुन्नी बदनाम करके आप सिनेमा हॉल में बैठ के देख रहे हैं तो आपको वो बर्गर नहीं लग रहा है लेकिन जैसे ही भोजपुरी में कहता है कि लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए तो आपको भोजपुरी बल्गर लगने लगता है। जब माधुरी दीक्षित कहती है कि चोली के पीछे क्या है तो आपको बल्गर लगता है और कल्लू कहता है कि लगाए दी एक पत्नी अपने पति से बंद कमरे में कह रही है आप भोजपुरी भाषा में जिस तरीके से वल्गैरिटी फैली हुई उसको डिफेंड कर रहे हैं बिल्कुल डिफेंड कर रहे हैं वल्गैरिटी देखिए अगर एक बात बता रहे हैं यहाँ पे 100 आम हम रख दें उसमें एक आम सड़ा हो मक्खी उस पर बैठेगी क्या हम सारे आम को कह देंगे कि सड़ा हुआ है नहीं कह सकते ना वही हाल भोजपुरी में है कोई एक्का दुक्का अगर कुछ गा दिया तो आप उसको लेकर के सारे समाज को या भाषा को या बल्गर कह दें ये गलत मानसिकता है वो लोग अभी भोजपुरी को जाने नहीं है भोजपुरी को जा करके लिखे केवल भोजपुरी लोकगीत आप देखें एक भी अश्लील गीत नहीं आएगा एक भी अश्लील वल्गर गीत नहीं आया ये जो वल्गर गाने हैं अश्लील गाने हैं उस पर रोक लगनी चाहिए कि नहीं इस पर बिहार सरकार भी हमारी काम कर रही है बिहार सरकार ने कानून भी ला दिया अभी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हमारी टीम काम कर रही है अभी हम लोग यूट्यूब से भी मिल करके बहुत सारा काम करने जा रहे हैं आप देखेंगे कि 2 साल के अंदर भोजपुरी में वल्गर शब्द जो है पूरी तरह से गायब हो जाएगा। तमाम जो है विधायक सांसद आते हैं भोजपुरी भाषा के नाम पर जो है वोट लेकर जाते हैं फिर बाद में बदल जाते हैं। एक्चुअली एक भोजपुरी में एक कहावत है कि आबरा के मौगी गांव भर के भौजाई वही हाल वो लोग भोजपुरी को बना दिए हैं भोजपुरी भाषा को सिर्फ वोट के लिए अपने वो यूज करते हैं और फिर संसद में आके उसको भूल जाते हैं। यहां पर जो है तमाम लोग जी बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे भोजपुरी को लेकर आप यहां जंतर मंतर पर आए क्या कुछ जी मैं भोजपुरी जनजन अभियान के बैनर तले जो भोजपुरी का 19वां धरना प्रदर्शन है मैं उसका सचिव हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि बस मेरी एक ही मांग है कि भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। ये देखिए छोटा बच्चा भी आया है एक बच्चे की भी मांग है कि हमारे भोजपुरी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में लाया जाए ताकि इसकी साहित्य जो है इसकी जो संस्कृति है ये कबीर की भाषा है राहुल सांकृत्यायन की भाषा है और अति प्राचीन भाषा है बाण भट्ट भी इसमें काम किए हैं तो ऐसी नहीं है। आज जो अभी आप भरगलिटी की बात कर रही थी कि इसमें अश्लीलता है तो रीति जब हिंदी साहित्य का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो रीति काल पूरा अश्लील ही भरा हुआ है। जब बिहारी लिखते हैं नक्सिक वर्णन करते हैं तो वो क्या चीज़ है। अब बिग बॉस हमारे घर में खुलेआम देखा जा रहा है 9 बजे के बाद महिलाएं देखती हैं टीवी के सामने वो उसमें क्या दिखाया जाता है तो जिसकी जो नज़रिया रखती है रहती है वैसे लोग देखते हैं।
रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि जिस जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। तो जैसा हम समाज में देखेंगे वैसा जिस जैसा हम खोजेंगे वैसा हमको दिखेगा। समाज में समुद्र में जो जैसी डुबकी लगा करके हीरा मोती जो भी है उसको निकालेगा वैसा रत्न उसको मिलेगा। तो भोजपुरी एक समृद्ध भाषा है, इसके साहित्य को पढ़िए, इसके संगीत को सुनना है तो महेंद्र मिश्र को सुनिए, भिखारी ठाकुर को सुनिए, भरत शर्मा को सुनिए और भी तमाम हमारे हैं उन लोगों को सुनिए। अश्लीलता पर बात करके और भोजपुरी को नकारना ये बहुत ही अप्रासंगिक और गलत है हमारे दृष्टि। तो साफ तौर पर आपने सुना भोजपुरी भाषा को लेकर, यहाँ पर पोस्टर भी देख पा रहे होंगे, अगर भोजपुरी का इतिहास खंगाला जाए तो बहुत ही प्राचीन भाषा है। और आपने एक मूवी देखी होगी सलमान खान की हम आपके हैं कौन, वो आपको उस मूवी को तो आपने देखा लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि वो मूवी जो है एक भोजपुरी फिल्म नदिया के पार पर पूरी फिल्माई गई है। पहले जो भोजपुरी फिल्म आई थी वो जो है पहले नदिया के पार आई थी, उसके बाद उसी का सेम कहानी लेकर एक हिंदी में बनाई गई जो बहुत हिट रही। तो भोजपुरी भाषा को अगर जानना हो तो उसके पुराने गाने जो हैं उसको सुनिए, कई सारे ऐसे गाने और फिल्में आई हैं जो बेहद ही मनभावन है, बहुत ही मनपसंद और सुपर डुपर हिट रहे हैं। भोजपुरी भाषा से ही आते हैं उदित नारायण जो कि बॉलीवुड में बहुत ही एक से एक बढ़कर अच्छे गाने दे चुके हैं, और तमाम ऐसे गाने हैं जो भोजपुरी गाने के, भोजपुरी के छठ गीत अगर आप सुन लें तो मन जो है मंत्रमुग्ध हो जाता है। लेकिन जो दो चार जो नए यूट्यूबर हैं उन्होंने वल्गारिटी बना दी है, इस वजह से ये नहीं बोल सकते कि पूरी भोजपुरी भाषा जो है वो बल्गर है। आप इस बात पर क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरीश जनहित आवाज़।